तो मैं अल्पेश जोशी को फ्रिज आपके बीच में इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको अच्छे से पूरा ज्ञान सही तरीके से समझ पे आ पाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे 10th लॉर्ड इनटू डिफरेंट हाउसेस, यानी 10वें भाव के ग्रह का फल कोई भी हो सकता है आपका 10th लॉर्ड, 10वें घर का स्वामी। उसका जब 12 भाव में जाएगा तो वो किस तरीके का आपके प्रोफेशन, आपका करियर को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके का फल होगा। दूसरी बात, थोड़ा बेसिक चीज़ और समझ लेंगे एक और बार कि प्लैनेट्स का 10वें घर में क्या फल होता है। देखिए 10th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में किसी का बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं, खुद का बिजनेस इनको, या खुद का, जो लोग एंटरप्रेनर भी होते हैं ना, वो 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस या फर्स्ट लॉर्ड 10th हाउस में आप देखना मोस्टली मिलेंगे, क्योंकि उनको खुद का काम पसंद होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि 10th लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति ज्वेलरी, फाइनेंस सेक्टर में होते होते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस में कई बार देखे जाते हैं। 10th लॉर्ड इंटू 3rd हाउस जब होता है तो व्यक्ति ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन करियर, इन चीज़ों में आपको ज़्यादा मिलेगा। मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। 10th लॉर्ड 4th हाउस में जाएगा तो व्यक्ति प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, वास्तु या फिर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट तो 10th लॉर्ड 9th हाउस में भी बताता है, बट 10th लॉर्ड 4th हाउस में घर पे वर्क फ्रॉम होम जो लोग काम करवाते हैं, रिमोट जॉब्स, 10th लॉर्ड 4th हाउस में दिखेंगे आपको, ठीक है। 10th लॉर्ड 5th हाउस में जिसका जाएगा वो व्यक्ति एजुकेशन, शिक्षा से जुड़ा काम करता है, ठीक है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी होते हैं 10th लॉर्ड 5th हाउस वाले। 10th लॉर्ड इंटू 6th हाउस सब व्यक्ति 100% जॉब में अधिकतर पाए जाते हैं, सर्विस करते हैं, दूसरों को एम्प्लॉयज़ बन के कई बार काम करना पड़ता है 10th लॉर्ड इंटू 6th हाउस। कई बार ये लोग डॉक्टर भी होते हैं, पुलिस की सेवाओं में भी होते हैं, लॉ की फील्ड में भी ये लोग देखे जाते हैं। 10th लॉर्ड इंटू 7th हाउस सीधी बात है, 7वां अगर व्यापार का है तो व्यक्ति व्यापार माइंडेड ज़्यादा होगा, व्यापार करने की क्षमता ज़्यादा रखता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति रिटेलिंग में भी होते हैं 10th लॉर्ड 7th हाउस वाले। 10th लॉर्ड इंटू 8th हाउस व्यक्ति रिसर्चर होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा या फिर वो हो सकता है सर्जन, ठीक है। 10th लॉर्ड 9th हाउस में होगा तो व्यक्ति कहीं ना कहीं हाईली एजुकेटेड तो होगा अपने कैरियर में, हाईली बहुत समझदार होगा अपने कैरियर में, आगे ऊंचाइयां ग्रोथ करता है, भले 10वें से 12वां हो जाए, पर 10वां भाव का स्वामी जब 9th हाउस में बैठता है तो मोस्टली आप देखना कि नेटिव जो हो सकता है ना पर्सन, या कोई जाता के जाति का क्या इसमें होगा, तो ये लोग ना बहुत मोटिवेटेड काम भी करते हैं, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने वाला काम, हाईली स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं 10th लॉर्ड 9th हाउस में आप देख लेना। 10th लॉर्ड 9th हाउस में कई बार व्यक्ति कंसल्टेंट बन के भी काम करता है। 10th लॉर्ड जब 11th हाउस में जाएगा तो व्यक्ति सोशल वर्किंग जो होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं वो 10th लॉर्ड 11th हाउस या 11th लॉर्ड 10th हाउस में देखना आप, सोशली जो लोग एक्टिव होकर काम करते हैं वो 10th लॉर्ड 11th हाउस में, जो लोग सोशल मीडिया पे अधिकतर काम करते हैं वो 10th लॉर्ड 11th हाउस। 10th लॉर्ड 12th हाउस विदेश से जुड़ा काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फॉरेन में जॉब कई बार दिखाता है। 10वें घर में सूर्य होगा तो मैं बताया हूँ सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, पिता से जुड़कर काम करता है व्यक्ति, पिता के साथ मिलकर काम करता है। मंगल होगा तो भाई के साथ काम कर सकता है या फिर टेक्निकल फील्ड में हो सकता है, आईटी फील्ड में हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। शनि 10वें घर में होगा तो व्यक्ति आईटी या फिर टेक्निकल फील्ड में दिखेगा या फिर व्यक्ति खुद का काम भी करता हुआ देखा गया 10वें घर का शनि। बुध 10वें घर में होगा तो व्यक्ति व्यापार माइंडेड होता है, व्यापार करता है। शुक्र होगा तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फाइनेंस ट्रेडिंग फील्ड में हो सकता है या फिर व्यक्ति खुद ऐसा खुद का बिजनेस कर सकता है, रेस्टोरेंट फूड का, ठीक है, खाने पीने का या फिर कपड़ों का, ब्यूटिशियन 10th लॉर्ड शुक्र, ठीक है। या फिर आपके चंद्रमा 10वें घर में तो व्यक्ति के उतार चढ़ाव व्यवसाय में बहुत आएंगे, व्यक्ति पानी से जुड़ा या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम या फिर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति प्रॉपर्टी से जुड़ा भी काम करता है, क्योंकि 4th लॉर्ड चंद्रमा बनता है काल पुरुष की कुंडली में। और 10वें घर में जब भी चंद्रमा होता है तो व्यक्ति के कैरियर में उतार चढ़ाव तो आते हैं, पर ये व्यक्ति को कैरियर ऐसा देता है जिसमें कई बार मिल्क इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, फूड इंडस्ट्री हो गई। 10th हाउस मून भी होता है जुपिटर, 10th हाउस में व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, बात पक्का हो जाती है। और 10वें घर में अगर आपके राहु केतु है तो राहु है तो पॉलिटिशियन की फील्ड में ज़्यादा बनता है या फिर मीडिया के क्षेत्र में, और राहु जब 10वें घर में होता है तो MNCs में जो लोग जॉब करते हैं उनके भी 10वें घर में राहु आप देखना है, 10वें घर से लिंकेज हो जाता है। केतु 10वें घर में होता है तो कैरियर ग्रोथ में दिक्कत देता है, स्ट्रगल्स देता है, बट केतु 10वें घर में रिसर्चर बनाता है, साइकोलॉजिस्ट, ऑकल्ट वाली फील्ड में जोड़ता है या फिर व्यक्ति को सर्जन भी बनाता है अगर यहाँ पर मंगल का कुछ रोल आ जाए तो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।